इस बार नया कुछ क्या लेकर आता है? देखिए ये मॉर्निंग का टेक्नोलॉजी, ये आप चलिए कैंपेन किया पूरा बिहार में 68,000 मतदान केंद्र है, वो हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का 11 लोगों का एक समिति है, वो घर घर गए और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, एनडीए के बारे में और हमारे बिहार के उम्मीदों के बारे में, ये सारे विषयों के बारे में हमने चर्चा की। उसके साथ 4 यात्राएं कर हमारे प्रदेश नेतृत्व से और 243 वीडियो रख, उसके द्वारा 45,000 गांव में मीटिंग, बाद में नरेंद्र भाई मोदी जी का 4 ग्राट रैली, यानी जमीन से जुड़ा हुआ, जिसमें जो आम नागरिक है, गरीब है, किसान है और गांव के और शहरों के महिला है, युवा है, वो सब जुड़ सके, ऐसे जमीनी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी। कहा जाता है कि जो मोदी जी की टीम थी लोकसभा चुनाव में उसकी कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो पूरी टीम अब उनके लिए काम कर रही है, वर रूप भी बनाया गया है, कैसे देखते हैं आप आपकी कॉपी नीतीश कुमार? उनका कोई कार्यक्रम ही उठा नहीं जमीन से, वो पर्चा पर चर्चा हो, बाकी विषय हो, वो शुरुआत में घर घर दस्तक देने का काम हो, ये शुरुआत में ठप हो, उनके पास कौन सा टीम काम कर रही है मैं नहीं जानता, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो टीम लोकसभा में काम की, वही टीम आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, और हमारा टीम 4-5 लोगों का टीम नहीं है, हमारे यहाँ जो टीम है वो हायर की टीम नहीं है, हमारे टीम जो है ये पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों में 80 लाख सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, ये टीम बिहार है, टीम बिहार बीजेपी। टिकट बंटवारे में जो असंतोष हुआ उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी भी है, शायद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर नाराजगी दूर करने में जुटे हैं, क्या लगता है कार्यकर्ता मान गए? 243 सीटें बिहार, वो 243 सीटों में 160 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 84 से ज्यादा सीट हमने मित्र दलों को दिया है और 3,000 से ज्यादा काबिल उम्मीदवार थे, और जब 3,000 से ज्यादा उम्मीदवार है और उसमें 160 लोगों को चयन करना और उनको टिकट देना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ढंग से सिंसियरिंग भी किया, टिकट बंटवारा भी किया, ये सारे होने के बाद पूरा प्रदेश में आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकजुट होकर के चुनाव में चुनाव के मैदान में, वहां देखिए महागठबंधन से शुरुआत में ही महा चला गया, मुलायम सिंह जी प्रस्थान कर दिए, मुलायम सिंह जाने के बाद अब आज लालू जी कह रहे हैं हम सोनिया जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, यानी पूरा वहां उनके गठबंधन बिखर रहा है, और लालू जी के जुबान पर वो खुद कहता है शैतान चढ़ गया, और वो शैतान चढ़ने के बाद वो जो बोल रहा है उसके बारे में कौन सा पति है नीतीश कुमार जी का, वो मुई को नहीं बोल रहा है, ये विडंबना है, वहां की स्थिति है, विकट स्थिति है। लेकिन लालू प्रसाद मोहन भागवत जी का जो बयान आया आरक्षण के संदर्भ में उसको लेकर ज्यादा बुखार है, और बीजेपी को भी काउंटर करना पड़ा कि आरक्षण जो है वो संविधान संबद्ध चीज है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, कैसे आप देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? जनसंघ के जमाने से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कईयों प्रस्ताव अपने राष्ट्रीय कार्य समिति का और हमारे सभी नेताओं के बयानों में हमने कहा है आरक्षण के बारे में भारतीय जनता पार्टी का नीति बहुत स्पष्ट है, जो आज के दिन में आरक्षण है शेड्यूल का शेड्यूल में ओबीसी और एबीसी के लिए वो कायम रहना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन का गुंजाइश नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रीय संसद भी इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे चुका है, ये कोई भ्रम फैलाने की कोशिश है।
में क्या होता है, क्या एजेंडा है इन लोगों का, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए गलत प्रचार करके वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही समझदार, वो कतई इसको होने नहीं देंगे, इस बार इन लोगों को पूरा नकार देंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक अवसर यहाँ की जनता देंगे। लोग सब कहते हैं कि मंडल राज पार्ट टू है, मंडल के मसीहा के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था में खतनी मुझे सूर्य पे लटका दो। बीजेपी भी राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन बीच बीच में ये बात आती है सामने कि पिछड़ा प्रधानमंत्री हमने दिया, बीजेपी के अध्यक्ष पिछड़ा रहे, इसे कैसे देखते हैं राष्ट्रवाद और एक तरफ पिछड़ावाद? लालू जी का सामाजिक न्याय का शुरुआत और अंत अपने परिवार में, परिवार के अलावा उनका सामाजिक न्याय कहाँ है? इसीलिए उनके पार्टी आरजेडी आज के दिन में दुस्थिति में, और नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय और मंडलवाद वो अवसरवाद में परिवर्तित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सच्ची मायने में सबके साथ सबका विकास, ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको एक संदेश दिया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ सामाजिक न्याय करना वो नेतृत्व में हो या योजनाओं में हो या जन भागीदारी और जन कल्याण में हो, वो भारतीय जनता पार्टी आचरण में कर रही है, करनी में कर रही है, खतनी में। 100 लाख करोड़ देने की जो घोषणा हुई उसको लेकर भी नीतीश कुमार एग्रेसिव है, कहते हैं कि वो विशेष पैकेज का डिमांड था, उन्होंने दिया नहीं, और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर पैसा देंगे तो पैसा खर्च ही नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिहार पैकेज दिया है 125 लाख करोड़, उसका स्वागत करना चाहिए नीतीश कुमार जी को, उन्होंने अब तक स्वागत क्यों नहीं, स्वागत करने के लिए देर क्यों कर रहे? और यदि वो कहता है ये रिपैकेज पैकेज है, तो ये रिपैकेज पैकेज पिछले 10 साल में जब यूपीए थी केंद्र में तब क्यों नहीं किया, तब उसका खंडन इन्होंने क्यों नहीं किया नीतीश कुमार जी? यानी जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी मंत्रालयों के द्वारा चर्चा करके बिहार के समुचे विकास के लिए इतना बड़ा पैकेज 125 लाख करोड़, मुझे लगता है भारत के इतिहास में ये अनोखा है, ऐसे एक पैकेज दिया, उस पैकेज का स्वागत करना, उस पैकेज को क्रियान्वयन करने के लिए जो सहयोग देना, ये करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जी का राजनीति नकारात्मक राजनीति है, केंद्र के साथ सहयोग करने का कोई मनोभूमिका में वो नहीं है। आज के दिन में बिहार को चाहिए केंद्र के साथ सहयोग करने वाली प्रदेश सरकार, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 2010 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें भोज पर आमंत्रित कर उन्होंने भोज देने से मना कर दिया, और नीतीश कुमार का एक बयान आया कि बीजेपी के कुछ नेताओं के इशारे पर ही हमने यह फैसला किया। देखिए आज के दिन में बिहार के सामने मुद्दे अलग, हम भूतकाल में नहीं जाना चाहते, बिहार के सामने मुद्दा है बिहार का विकास, बिहार में सुशासन, और पूरा देश भर में कई जो बीमारू राज्य थे वो सुचारू राज्य बन गए, मध्य प्रदेश बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, राजस्थान बन गया, तो बिहार अभी भी बीमार क्यों? हमें लगता है भोजन के बारे में चर्चा करने के बजाय ये बीमारूपन के बारे में और बीमारूपन से सुचारूपन के तरफ लेके जाने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, और तीसरी तरफ एक तीसरा मोर्चा एनसीपी समाजवादी पार्टी, आपकी लड़ाई किससे? आपको क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन जो है वो उसकी सीधी लड़ाई किससे है? ये त्रिकोणीय संघर्ष है, जब त्रिकोणीय संघर्ष है तो
वाली सरकार चाहिए और केंद्र के साथ सहयोग करने वाली सरकार चाहिए। यहाँ की जनता पिछले 68 सालों में कांग्रेस को देखा है, पढ़ता है, उन लोगों ने लालू को देखा है और भुगता है, और बाद में नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार और लालू जी के सरकार को आज के दिन में भूल रहे। ऐसे स्थिति में एक मौका भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को दीजिए, ऐसे हम जनता के सामने निवेदन कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार आशीर्वाद मिलेगा। सीमांचल का इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहाँ ओवैसी भी चुनाव मैदान में है, आपको क्या लगता है कि कितनी उनकी पैठ जो है उस समुदाय में होगी? देखिए, संविधान के तहत हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव में, चुनाव के मैदान में कूद सकते हैं, सभी कूदे। लेकिन प्रश्न ये है, यानी बिहार के नसीब लिखने के लिए, बिहार के नया तस्वीर बनाने के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपना चाहिए, किसको बागडोर सौंपना चाहिए, ये बिहार की जनता तय करे, कितना भी दंगल करे और कितना भी नाटक और महानाटक करे, उस सारे मंथन के बीच से अमृत निकालना ये जनता, समझदार जनता का कुबेर है। हमें लगता है ऐसे, यानी जंगल राज का जहर को हटाते हुए और उस जहर के अलग अलग मॉडल्स को नकारते हुए सुशासन का और विकास का एक अमृत बिहार की जनता निकाले। ब्रेक के बाद भी बीजेपी के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार से हमारी बातचीत जारी रहेगी।